पीस बी अपॉन यू ऑल पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। क्या आपको मालूम है कि आधे से ज़्यादा डिजीजेस आपके जो वाटर क्वालिटी है आपका, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, उसकी वजह से आता। सपोज़ आपके घर में एक सिंटेक्स है, आपका म्यूनसिपल वाटर आता, यानी कि जो रेन वाटर जो आता, जो गवर्नमेंट से सप्लाई आता वो वाटर, और जो आप घर आपके खुद के घर में जो बोर जो लगाए और वो वाटर, दोनों में आपको सैंड, मड, डस्ट, कभी कभार इंसेक्ट्स भी देखने को मिल जाता। तो इससे क्या हो रहा, बॉडी में इन्फेक्शंस थ्रू, अगर आप वाटर प्योरीफायर भी लगाए अपने घर में तो उसमें जो है आपका जो प्री फिल्टर रहता प्योरीफायर का, वो भी बहुत इजीली जल्दी डैमेज हो जाता। तो मैं क्या किया कि मैं एक इन्वेस्टमेंट किया होल हाउस वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम में, जिसमें एक सेडिमेंट फिल्टर है, जिसमें एक बैक फिल्टर है और एक कैंडल फिल्टर है, जिसकी मदद से आपका सैंड, आपका डस्ट, इंसेक्ट्स, कलर, क्लोरीन, फ्लोराइड सब क्लियर होकर प्योर क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको मिल सकता। बहुत दिन से, फ्यू मंथ्स बैक मेरे को स्किन इन्फेक्शंस हो रहा था, हेयर लॉस हो रहा था, और जो है एसिडिटी प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे, सब हेल्दी खा रहे, एक्सरसाइज कर रहे, वर्कआउट कर रहे, डेली एक्टिविटीज़ कर रहे, लेकिन क्यों? तो मैं सोचा कि पानी जो इनटेक कर रहे हैं अपन, वो पानी प्योर है या नहीं, साफ़ है या नहीं। एग्जाम्पल फॉर डेली यूसेज सच एज बाथिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, या फिर ड्रिंकिंग हो गया। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना प्योर वाटर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूँ। तो मैं क्या कर रहा कि मैं एक सर्विस, वाटर सर्विस के पास पहुँचा, तो वो लोग बताया कि एक सेडिमेंट फिल्टर रहता जो RO सिस्टम्स, जिसमें आप डेली जो मिनरल वाटर जो यूज़ करते वहाँ यूज़ होता, जहाँ वाटर प्लांट से वहाँ यूज़ होता, वहाँ क्या करते वो लोग सेडिमेंट फिल्टर और RO प्लांट लगाते। तो ये जो सर्विस जिसको मैं अप्रोच किया, तो उन्होंने बोले कि ये आपको विदाउट RO सिस्टम ओनली सेडिमेंट फिल्टर लगाकर आप प्योर वाटर फिल्टर कर सकते हैं। मोस्टली ये फिल्ट्रेशन सिस्टम्स अपार्टमेंट्स, वाटर प्लांट्स में यूज़ होता, लेकिन अब आप आपके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए भी इंस्टॉल कर सकते, एक्सक्लूडिंग दी RO सिस्टम जो सेडिमेंट फिल्टर ही यूज़ होता। ये जो वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, इसका इन्वेस्टमेंट बजट अराउंड 18 to 20,000 है, जिसे आप वंस इन ए लाइफ टाइम लगा सकते। लाइफ टाइम तो नहीं बोल सकता हूँ, नियरली 20 to 25 ईयर्स तो आप यूज़ कर सकते। सो लास्ट वीडियो में आप देखे थे कि मैं ये फ़िल्टर का इंस्टॉलेशन आपको बताया था, लेकिन ये होल हाउस वाटर फिल्ट्रेशन है। इसमें जो है आपको सेडिमेंट 50% सेडिमेंट मिल जाता, और जो है 50% जो है एक्टिवेटेड कार्बन मिल जाता, जिससे क्या होता है कि मतलब जो ब्रॉड सैंड है, जो मोटी मिट्टी है और जो बारीक मिट्टी है, वो इसमें रुक जाता। वो होने के बाद जो है इसमें और एक्स्ट्रा दो फिल्टर्स, पोस्ट फिल्टर्स लगाना पड़ता, जिसमें जो है सैंड बैग रहता और एक सैंड फिल्टर रहता, मतलब कैंडल रहता। सैंड बैग का ये काम है कि वो जो है जो मोटी मिट्टी है, मोटी मिट्टी से लेकर बारीक मिट्टी तक, विच इज़ 0.01 माइक्रॉन, वो भी रोक लेता। मिट्टी जो है वो बैग में कलेक्ट हो जाता, और उसके बाद जो जो म्यूनसिपल वर्कर्स जो पानी में क्लोरीन ऐड करते या फ्लोराइड ऐड करते, उसकी वजह से पानी जो है जो पीला, जो येलोइश हो जाता पानी, वो कैंडल फिल्टर उसको रोक लेता। वो रोकने के बाद जो है फिल्टर आपको होने के बाद पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको मिलता। और अगर आपको बैक फिल्टर और कैंडल फिल्टर ऑनलाइन परचेस करना है, तो आपको अमेज़ॉन में इजीली मिल जाता अराउंड 1500 में। मैं चाहे तो आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। और अगर आपको ये जो बड़ा फिल्टर जो है, जो सेडिमेंट फिल्टर है, जो मेन फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये आपको परचेस करना है, तो निज़ामबाद में SR एक्वा सॉल्यूशंस जो है बाईपास कंडेश्वर पे, वहाँ पे आपको आप ऑर्डर लगा सकते, क्योंकि निज़ामबाद में रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको प्री ऑर्डर करना पड़ता। मैं उसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। और बात आई सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन की प्राइसिंग की, तो आपको जो है 15,000 से स्टार्टिंग प्राइस जो है 15,000 है। और अगर आपको एक्स्ट्रा लगाना है, एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है, तो आप दो भी इंस्टॉल कर सकते, टू और थ्री भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते अकॉर्डिंग टू योर, क्योंकि देखो हर जगह का पानी जो है डिफरेंट कलर रहता, या डिफरेंट, मतलब कहीं ज़्यादा मड आता, कहीं कम मड आता, तो उस
बेसिस पे आप परचेस कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको बताता हूँ इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसा वर्क करता, कैसा काम करता। तो फर्स्ट जो है वाटर आपको जो है सेडिमेंट फिल्टर में फर्स्ट प्री फिल्टर के जैसा आपको वाटर एंटर होता, और आप यहाँ आप देख सकते हैं ये है मल्टी वॉल, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। और अगर आपको वॉश करना है इसके अंदर से जो मड और सैंड जो जो कुछ भी जो जैम हुआ है उसको वॉश वीकली वंस एक बार वॉश करना रहता, दैट इज़ 10 मिनट्स। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ बैक वॉश है और यहाँ रिंस है। तो आपको क्या करना है वीकली वंस एक बार बैक वॉश करना है और एक बार रिंस करना है। और आपको डाउट है कि पानी वॉश कैसा होता, तो इसके लिए अलग से ड्रेन पाइप यहाँ से जाता जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से। आप देखिए एक बार आप बैक वॉश में लगा दिए तो इसके नीचे से जो जो मड जो जाम हुआ है वो पूरा ऊपर लेकर आता, मतलब ऊपर से नीचे से जो इसके बीच में एक पाइप रहता है अंदर, प्रेशर से नीचे जो कुछ भी मड जाम हुआ वो ऊपर आ जाता। और यहाँ ऊपर आने के बाद आपको 10 मिनट्स के बाद आपको रिंस में लगाना है। रिंस में लगाने के बाद जो है जो ऊपर जो मड जो डस्ट जो कुछ भी आ गया वो पास आउट हो जाता है ये ड्रेन पाइप से। तो ये है इसका मेकेनिज़म, और आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्लीन वाटर, नो सैंड, नो कलर, नथिंग, जस्ट प्योर वाटर। आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे, लेकिन हेल्थ में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। सो सेंस नहीं बनता, राइट? आप बैंक बैलेंस में आप बैंक बैलेंस फुल कर रहे लेकिन आप हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा? अगर आपको भी ये फिल्ट्रेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना है, ये वंस इन लाइफ टाइम इंस्टॉलमेंट है, आप एक बार लगा दीजिए, फिर आपको जस्ट क्या करना है वीकली बैक वॉश करना है और रिंस करना है, दैट्स इट। आपको 4 मंथ्स को एक बार प्लम्बर को बुलाकर पूरा साफ कर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ वेस्ट करना नहीं है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम इंस्टॉलमेंट है, इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको फ़ायदा हुआ कुछ नॉलेज का, इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल इन एनी वे प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि मैं आपको और एक वीडियो बनाऊँ जिसके बारे में बात करूँगा ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, क्या आपका ड्रिंकिंग वाटर प्योर है या नहीं, ये क्या ये एसिडिक है, क्या ये अल्कलाइन है, क्या ये न्यूट्रल है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और हेल्थ वाइज नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।